हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी कि आपका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सॉइल में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कितने तरह के फॉर्म होते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ, वन इज अवर सिंगल ग्रेन, सेकेंड इज हनीकॉम एंड थर्ड इज पोकुलेट स्ट्रक्चर। ओके, और एक होता है बेटा डिस्पर्स स्ट्रक्चर भी होता है, उसे भी लिख लीजिएगा। फोर्थ कैटेगरी का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर। तो बेटा, मैं वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में इसे शेयर जरूर करें। आप लोगों की स्टडी बहुत बेहतरीन होगी, सॉइल मैकेनिक्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप बस सारे वीडियोस आप क्लियरली पूरे एंड तक देखा करें, ठीक है। तो बात कर रहे हैं बेटा फोर्थ, एक आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पोकुलेट स्ट्रक्चर होता है। नोट कर लीजिएगा, पोकुलेट स्ट्रक्चर के साथ में होता है क्या, डिस्पर्स स्ट्रक्चर। डिस्पर्स स्ट्रक्चर, तो ये डिस्पर्स जो स्ट्रक्चर है बेटा वो भी फाइन सॉइल का ही, फाइन सॉइल के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही, फाइन ग्रेन सॉइल है ना, ये फाइन ग्रेन सॉइल में ही आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या होता है इसमें, देखिए कैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी साइकिल इस तरह से बेटा, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं है ना, इनके बीच में गैप्स होते हैं, इस तरह से आपके पार्टिकल्स जो है कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करता है। क्या करता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करेगा या इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, रिपल्सन फोर्स होता है बेटा है ना, इंटरनल रिपल्सन फोर्स काम करता है, इंटरनल रिपल्सन फोर्स वर्क करता है ना, और इस तरह से अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्टिकल्स हो जाते हैं। बात समझ में आ गई, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरह का है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में जनरली डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बेटा इसका जो साइज होगा, जो डायमीटर होगा, डी जो लेस देन होगा, जो पार्टिकल्स का डायमीटर होगा उसका साइज जो होगा फाइन ग्रेन सॉइल में 0.001 mm, यानी कि बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं वहीं पे आपका डिस्पर्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। इतना बार याद रखें है ना, ज्यादा याद रखने की जरूरत। और इंटरनल रिपल्सन फोर्स काम करता है बेटा, क्या करता है, इंटरनल रिपल्सन फोर्स आपका काम करेगा। फोकुलेट स्ट्रक्चर में भी याद रखना बेटा, जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, लेस देन 0.001 mm के लगभग होता है, उसमें भी फाइन पार्टिकल्स ही होते हैं। फाइन सॉइल यानी कि क्ले सॉइल, फाइन सॉइल मतलब क्ले सॉइल, ठीक है, एग्जाम्पल है। दूसरी बात, मैंने आपको सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बताया था बेटा, उसमें जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो लिख लीजिएगा। सिंगल ग्रेन होता है स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें डायमीटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0.02 mm से। यदि इस साइज से ग्रेन पार्टिकल्स, यदि का साइज जो है वो 0.02 mm से ज्यादा है, तब आपका सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, टर्मिनोलॉजी जो थी आपका स्ट्रक्चर्स की वो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ बेटा। अब बात करते हैं फटाफट कि टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है। बेसिकली मैंने अभी आप लोगों को बताया था, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया हूँ कितने तरह की सॉइल होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ठीक है, सिल्ट क्या होता है ना, क्ले क्या है, सैंड क्या है, ग्रेवल्स क्या होते हैं बेटा, ये सब मैंने आप लोगों को बताया, उनका साइज बताया क्या, तो अभी वो बाद में बेटा और भी चीजें हैं। लेकिन हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स में, टाइप्स की बात कर रहे हैं बेटा, सॉइल टाइप्स की, टाइप्स, ठीक है। तो फर्स्ट होती है बेटा, आपको मैंने बताया था एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल बेटा कहां पे मिलती है आपका, जनरली कहां पे, मैंने बताया था कि जो गंगेटिक जो प्लेन्स है, गंगेटिक गंगा रिवर्स के आजू बाजू की जो बैंक्स है बेटा, वो सारी क्या है आपकी एलुवियल सॉइल है ना, गंगेटिक रीजन, गंगेटिक रीजन में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल होती है बेटा, किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो आपका एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सेकेंड इज ब्लैक कॉटन सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक कॉटन सॉइल कहां होती है बेटा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, यूपी का कुछ पार्ट भी है बेटा है ना, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, यहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल, गुजरात में भी पाई जाती है बेटा, गुजरात, यहां पे भी आपका ब्लैक कॉटन सॉइल प्रेजेंट है। थर्ड है बेटा आपका एलुवियल सॉइल होगी, ब्लैक कॉटन सॉइल होगी, और बेटा बेसिकली जो लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल भी मिलती है हमारे यहां है ना, अपने इंडिया में लेटराइट
सॉइल। तो लेटराइट सॉइल कहां पे बेटा? केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु वगैरह, वहां पे आपका लेटराइट सॉइल भी मिलती है। अब बेटा रेड सॉइल और येलो सॉइल भी है हमारे इंडिया में, रेड सॉइल येलो सॉइल का भी कुछ पार्ट है। तो एमपी में और यूपी में बेटा रेड सॉइल एमपी में जनरली पाई जाती है, यूपी में भी कहां कहीं कहीं पे येलो सॉइल और रेड सॉइल पाई जाती है ना, ये भी लिख लीजिएगा, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल कहां पाई जाती है बेटा? एमपी और यूपी में है ना, एमपी एंड यूपी में पाई जाती है। ठीक है, ये होगी फोर्थ मेरी। उसके बाद एक बेटा डिजर्ट सॉइल, उसके बाद क्या है डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल कहां पे होगी बेटा? इंडिया में। डिजर्ट मतलब जहां पे रेगिस्तान होते हैं, जहां पे आपके डेजर्ट्स होते हैं, वहां पे डेजर्ट सॉइल्स अवेलेबल होती है ना, वहां पे वाटर की कमी होती है तो वहां डेजर्ट सॉइल आपकी मिलती है। कहां होगा बेटा? राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान राजस्थान हरियाणा यहां पे आपका डेजर्ट सॉइल अवेलेबल है ना। तो बहुत सारी सॉइल्स हैं बेसिकली, ये बस मैं आप लोगों को बताया, वैरायटीज बताया किस तरह की होती है। रेड सॉइल में बेटा ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, रेड ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा, आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो रेड का जो टेक्सचर है, जो कलर है बेटा, वो कैसा दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, तो ये हो गई मेरी टाइप ऑफ सॉइल्स। अब हम अपने मेन मोटिव पे आ रहे हैं बेटा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपोजिशन। सॉइल का कंपोजिशन देख लेते हैं। मरीन सॉइल होती है बेटा, जो सी बैंक्स के नियर जो एरिया में जो सॉइल है वो मरीन सॉइल्स होती हैं। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब प्रैक्टिकल चीजें हम देखते भी हैं, बस मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि कहां कौन सी किस टाइप की सॉइल्स पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हेडिंग डालिएगा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है? तो बेटा सॉइल एक्चुअली में क्या है? डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ स्टोन्स, ओके, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ स्टोन या रॉक्स, ओके, और उसी से आपका सॉइल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है या क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो कंपोजिशन में, सॉइल के कंपोजिशन में क्या है? फाइन पार्टिकल्स है, कुछ मोटे पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, मिक्सचर है एक्चुअल में ना। तो बात बताना चाहूंगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जनरली पार्टिकल्स हम क्या लेते हैं? स्फेरिकल शेप में लेते हैं। किस शेप में लेते हैं बेटा? स्फेरिकल शेप या राउंड शेप में हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो कैसे होते हैं? राउंड शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, ये मान के हम लोग चलते हैं। ठीक है, राउंड शेप में। तो इस तरह से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अब ये पार्टिकल्स बेटा, यदि सॉइल है, आप देखते हैं जमीन है ना, सॉइल होती है, सॉइल में देखते हैं तो उसमें पोर्स अवेलेबल होते हैं ना। क्या होते हैं अवेलेबल? ये पोर्स है बेटा, इसके बीच में सब क्या है? ये पोर्स, ये क्या है आपके? पोर्स, पोर्स या फिर इनको क्या बोला जाता है? वाइट्स। पोर्स या फिर वाइट्स है ना, ये पोर्स अवेलेबल होते हैं ये फाइन पार्टिकल्स के बीच में। ये फाइन पार्टिकल्स के बीच में क्या है? पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे हैं बेटा? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ये कैसे हैं? सॉलिड पार्टिकल्स है ना, ये जो है ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर अवर सॉलिड पार्टिकल्स। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये आपके स्टोन के ही डिसइंटीग्रेटेड क्या है? एलिमेंट्स है या डिसइंटीग्रेटेड पार्ट है। ठीक है, स्टोन का या रॉक का, और उनके बीच में जो गैप्स होता है बेटा है ना, इंटरनली इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे पार्टिकल्स, लेकिन कुछ पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? गैप्स अवेलेबल होता है। तो गैप्स ही क्या होता है बेटा? पोर्स या वाइट्स। तो कंपोजिशन की बात करता हूँ सॉइल की, कंपोजिशन की, तो सॉइल की कंपोजिशन में क्या क्या अवेलेबल है बेटा? पोर्स हैं, वाइट्स हैं और सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब बात करता हूं कि इन वाइट्स में, जब वाइट्स वहां पे प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है उसमें एयर होगी बेटा है ना। इसका मतलब क्या होगा? पोर्स में क्या होगा? पोर्स फिल्ड बाय एयर। किसके थ्रू फिल्ड होंगे बेटा? एयर के थ्रू फिल्ड होंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स तो यदि वहां पे एयर नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरनली टाइटली कनेक्टेड होंगे है ना, उनमें गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन गैप है मतलब वहां पे क्या है? एयर प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो वाइट्स होते हैं वो किसके वाइट्स होते हैं बेटा? एयर के वाइट्स होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि हो सकता है यहाँ पे रेनफॉल हो गया, या हो सकता है यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक है। ठीक है,
तो तब आपका ये वेट कंडीशन में हो सकती है, गीली भी हो सकती है, सॉइल वेट कंडीशन में भी हो सकती है, तब ये जो पोर्स हैं बेटा वो किसके थ्रू फिल हो जाएंगे, वाटर के थ्रू फिल हो जाएंगे। तो पोर्स फिल्ड बाय एयर और वाटर, तो दो वर्ड आ गए यहाँ पे बेटा, जो वाटर जो पोर्स हैं वो एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू फिल होते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि होल पोर्स और टोटल पोर्स फिल्ड बाय एयर और फिल्ड बाय वाटर, समटाइम्स दे आर फिल्ड बाय एयर एंड वाटर ऑल्सो, बोथ दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं बाय एयर एंड बाय वाटर ऑल्सो, है ना। तो उस केस में हम सबमर्ज कंडीशन बोला जाता है उसको, क्या सॉरी उसको पार्शियल कंडीशन बोला जाता है, क्या कंडीशन बोला जाता है, पार्शियल, है ना। व्हेन सम वॉइड्स फिल्ड बाय एयर एंड सम वॉइड्स फिल्ड बाय वाटर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पार्शियल कंडीशन। ओके, ये क्या है मेरी पार्शियल कंडीशन, मैं अभी ऐसे बता रहा हूं आपको समझने के लिए, है ना। दिस इज माय कंपोजिशन ऑफ सॉइल वेयर प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स पोर्स एंड पोर्स फिल्ड बाय एयर और वाटर, दिस इज माय कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब बेटा यहां से हम पॉइंट पे आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका फेस डायग्राम बन जाएगा, तो ये इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फेस डायग्राम, ये कंपोजिशन भी बात कर रहा हूं मैं, है ना, कंपोजिशन सॉइल के कंपोजिशन में फेस डायग्राम भी इंक्लूड किया गया है। तो फेस डायग्राम की बात कर रहा हूं, फेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, व्हाट इज मीन ऑफ फेस, है ना। तो फेस का मीनिंग होता है बेटा कि सॉइल में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वाटर भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है और आपके सॉलिड पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं, मतलब दो तीन चीजें अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि जो होमोजेनियस पार्ट है, मतलब जो आपका फेस है वो होमोजेनिटी से रिलेटेड है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है बेटा, ये टर्म फेस होमोजेनिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड है। एक पार्ट सॉइल का कुछ पार्ट बेटा होमोजेनियस पार्ट होगा और वो सेपरेटेड होगा दूसरे पार्ट से, है ना। फेस का मतलब क्या होता है बेटा कि वन होमोजेनियस पार्ट, होमोजीनियस पार्ट इज सेपरेटेड सेपरेटेड बाय अदर पार्ट ऑफ सॉइल, मतलब जो दूसरा पार्ट होगा सॉइल का, सेम सॉइल है लेकिन सॉइल के अंदर में क्या है, पार्ट्स है, ठीक है। तो एक होमोजेनियस पार्ट जो होगा वो सॉइल के दूसरे पार्ट से क्या होगा, सेपरेटेड होगा, अलग होता, उसी को बोला जाता है फेस, है ना। तो यहाँ पे तीन फेस हो सकते हैं, एक वाटर का फेस, एक सॉलिड का फेस और एक इसका एयर का फेस। तो इस तरह से आपके तीन तरह के फेस हो सकते हैं, इसी को बोला जाता है फेस डायग्राम। तो फेस डायग्राम इंक्लूड्स सेपरेट सेपरेट होमोजीनियस पार्ट। ओके, फेस डायग्राम क्या बताता है बेटा, ये क्या बताता है, सेपरेट 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 होमोजीनियस पार्ट, होमो बड़ा में इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा ये, है ना, होमोजीनियस पार्ट पार्ट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो सेपरेट सेपरेट होमोजीनियस पार्ट है बेटा, उसी को क्या करता है फेस डायग्राम डिसाइड करता है, डिनोट करता है या डिस्क्राइब करता है। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज को समझे, क्या फेस क्या होता है ये भी बता दिया, फेस इज नथिंग बट इट इज अ होमोजीनियस पार्ट ऑफ सॉइल विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ सॉइल। ओके, नोट कर लेना, फेस इज अ होमोजीनियस पार्ट ऑफ सॉइल विच इज सेपरेट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ सॉइल। ओके, अंडरस्टैंड, इसे नोट कर लेना, ये होता है मेरा फेस डायग्राम। अब मैं फेस डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको वो बताता हूं बेटा, ठीक है, नोट कीजिएगा। तो फेस डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो बेटा आपके सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सॉलिड्स सॉलिड्स, है ना, प्लस क्या होते हैं वाटर, प्लस क्या होता है एयर, है ना, तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। लेकिन कभी कभी एयर प्रेजेंट होती है, कभी कभी नहीं होती, कभी कभी दोनों प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होते हैं, सॉलिड्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, सॉलिड्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, सॉलिड्स प्लस वाटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है बेटा, सॉलिड्स प्लस एयर हो सकती है, और ये फर्स्ट केस, है ना, ये हो गया मेरा केस वन, है ना,
ये हो गया मेरा बेटा केस टू और ये हो गया मेरा केस थ्री। हो सकता है कि एयर भी है वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट केस। दूसरा क्या है, सॉलिड्स प्लस वाटर सेकंड केस, और सॉलिड्स प्लस एयर थर्ड केस। सॉलिड्स तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि भैया सॉइल जो है उसमें तो आपके पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मतलब डेंस पार्टिकल्स होंगे, है ना, मतलब सॉलिड्स प्रेजेंट तो हमेशा रहेंगे, बस चेंज किसमें होगा, वाटर में और एयर में चेंज होगा। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ फेसेस। तो सॉइल में कितने फेसेस हो गए बेटा, फेस डायग्राम यदि फेसेस की बात करें तो देयर आर थ्री फेसेस, सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर, सॉलिड प्लस वाटर सॉलिड प्लस एयर, देयर आर थ्री फेसेस बेसिकली। तो बेटा यहां पे देखिए तीनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब ये है मेरा थ्री फेस डायग्राम, ये हो गया मेरा थ्री फेस सिस्टम। ये क्या हो गया बेटा मेरा थ्री फेस सिस्टम, यहां पे मैं फेसेस सिस्टम कर दे रहा हूं, है ना। तो ये हो गया मेरा थ्री फेस सिस्टम। यहां पे कितना प्रेजेंट है बेटा, कितनी चीजें प्रेजेंट है, देयर आर ओनली टू थिंग्स, ओके, सॉलिड्स एंड वाटर, मतलब ये टू फेस सिस्टम है। ये क्या है आपका टू फेस सिस्टम, टू फेस सिस्टम, नोट कीजिएगा आप लोग। और ये भी क्या है बेटा, ये थर्ड भी क्या है, सॉलिड प्लस एयर, ये भी क्या है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या है टू फेस सिस्टम। तो बात समझ में आ गई, सिस्टम समझ में आ गया बेटा, फेस सिस्टम कैसे डिसाइड करना है, कैसे डिफाइन करना है। तो यहाँ फेस डायग्राम भी मैंने समझा दिया, डायग्राम अभी नहीं बनाया हूं मैंने, फेस डायग्राम कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे या कैसे इसको समझेंगे, तो ये चीजें मैंने बड़ी आसानी से आपको बताया बेटा, है ना, इसे नोट कर ले आप लोग अच्छे से। अब मैं फेस डायग्राम बना के बता रहा हूं। चलिए बेटा मैं यहाँ पे तीन फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको डिफाइन किया जाता है सॉलिड से, तो सॉलिड को इस तरह से डिफाइन करना है ना, सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल डेंस पार्टिकल्स, या बोलना चाहिए सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये है मेरे सॉलिड्स, ये क्या होंगे बेटा सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स, यहां से यहां तक मेरे क्या है बेटा सॉलिड्स, ओके। सॉलिड इसके ऊपर क्या होगा, वाटर, है ना, सॉलिड्स के ऊपर क्या आ गया है आपके वाटर, मतलब ये देखो सॉइल में ही मिक्स होता है ना, वाटर एयर जो है सॉइल के अंदर ही मिक्स होती है, लेकिन हम उसको सेपरेट सेपरेट करके बता रहे हैं, क्योंकि वाटर सेपरेट चीज है, मतलब वाटर अलग होमोजेनियस पार्ट है, सॉइल अलग होमोजेनियस पार्ट है, एयर अलग होमोजेनियस पार्ट है, ठीक है। होमोजेनियस का मतलब होता है जहां पे सेम मटेरियल काम करते हैं, मतलब कि सारे जितने भी अलग अलग वैरायटी के मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन जब वो मिक्स में आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम वर्क करने लगती है, ठीक है, वो सेम वर्क करने लगते हैं, उसको बोला जाता है होमोजेनियस फंक्शन। ये है बेटा वाटर, वाटर, और ये जो है बेटा ए ब्लैंक जो है, ए ब्लैंक जो है वो क्या होगा आपका एयर होगा, क्या होगा एयर, ये होगा एयर, ठीक है, इस तरह से। अब मैं टू फेस, ये है मेरा थ्री फेस सिस्टम, ये मेरा क्या है बेटा थ्री फेस सिस्टम। अब यहां पे बात करता हूं, तो सॉलिड्स तो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे ये टू फेस सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड्स बहुत ज्यादा होंगे या कम, देखो सॉलिड्स हमेशा कांस्टेंट रखना है, वैल्यूम चेंज नहीं करना है, वैल्यूम चेंज नहीं करेंगे, यदि वैल्यूम चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो वैल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो सॉलिड्स चेंज नहीं होते बेटा, सॉलिड्स हमेशा सेम रहते हैं, या तो वाटर की क्वांटिटी कम होती है या तो एयर की क्वांटिटी कम होती है, दोनों की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वैल्यूम कांस्टेंट रखना होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं वैल्यूम भी चेंज होता है, जब वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वैल्यूम चेंज होने लगता है, लेकिन यदि आपको सॉल्व करना है तो वैल्यूम को कांस्टेंट रख के चलना है। ये हो गया बेटा आपका सॉलिड्स, ठीक है, ये क्या है आपके सॉलिड्स, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा वाटर, ये रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका वाटर, ठीक है, ये हो गया वाटर, ये मेरा हो गया टू फेस सिस्टम, ठीक है। यहां से यहां तक सॉलिड्स हो गए और यहां से यहां तक आपका वाटर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे, ये हो गया बेटा मेरे सॉलिड्स, ये मेरे हो गए सॉलिड्स, और रिमेनिंग जो हो गया वो मेरा एयर, एयर कंटेंट हो गया, ठीक है, एयर, और ये हो गया आपका सॉलिड। तो ये भी कैसा है बेटा टू फेस सिस्टम। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ फेसेस, ओके, थ्री फेस, टू फेस, टू फेस, है ना, तो एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड, और दूसरा क्या है सॉलिड प्लस वाटर, और थर्ड क्या है सॉलिड प्लस एयर। तो यहाँ पे तीन फंक्शन होते हैं थ्री फेस फेस सिस्टम में, ठीक है। तो यहां से मैं हम लोगों ने समझ लिया कि फेस डायग्राम हम कैसे डिनोट करेंगे। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी, है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ सॉइल, है ना। तो बेटा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने फेस डायग्राम क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं वो बता दिया,
अभी फेस डायग्राम जो टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे वो और अलग तरीके से हम उसको डिजाइन करेंगे और वो डिफाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसी के बाद हम फेस डायग्राम जो होता है वैल्यू के बेसिस पे वेट के बेसिस पे वो डिफाइन करेंगे, वो डिजाइन करेंगे और वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब फटाफट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।